अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चलाई गई जिसमें वो बाल बाल बचे। गोली उनके कान को छू कर निकली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में ट्रंप पर अचानक गोली चलती है जिससे उनके एक कान से खून निकलने लगता है। घटना के बाद हमलावर को मार गिराया गया और उसकी पहचान भी हो गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने बताया कि हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है और उसकी उम्र महज 20 साल है। रैली में ट्रंप की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए सीक्रेट सर्विसेज के जवानों ने हमलावर को चंद सेकंड के भीतर ही ढेर कर दिया। हमलावर थॉमस क्रूक्स पढ़ाई में भी अव्वल था और मैथ्स और साइंस इनिशिएटिव में अवार्ड भी जीत चुका था। इस घटना पर हमलावर क्रूक्स के पिता का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने न्यूज चैनल CNN से बातचीत में कहा है कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। 52 वर्षीय मैथ्यू क्रूक्स के पिता ने कहा, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हुआ क्या था और अपने बेटे के बारे में बात करने से पहले मैं कानूनी एजेंसियों से बात करने का इंतजार करूंगा। वहीं FBI ने कहा है कि वो हमले के पीछे का मकसद पता लगाने के लिए काम कर रही है। वहीं वोटर रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमलावर क्रूक्स एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। आगामी 5 नवंबर का चुनाव पहली बार होता जब क्रूक्स राष्ट्रपति पद की दौड़ में मतदान करने के लिए पर्याप्त उम्र का होता। क्रूक्स बटलर में गोलीबारी की जगह से लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहता था। उड्डयन प्रशासन ने रविवार को कहा कि उसने विशेष सुरक्षा कारणों से बेथेल पार्क के ऊपर हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। मैथ एंड साइंस में मिला था $500 का अवार्ड। 2021 की अमेरिकी चुनाव आयोग की फाइलिंग के अनुसार जब क्रूक्स 17 साल का था तो उसने एक्ट ब्लू को $15 का दान दिया था। ये एक राजनीतिक कमेटी है जो वामपंथी और डेमोक्रेटिक नेताओं के लिए पैसा जुटाती है। ये दान प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किया गया था जो एक राष्ट्रीय समूह है जो डेमोक्रेट्स को वोट देने के लिए रैली करता है। पिट्स ट्रिब्यून रिव्यू के अनुसार थॉमस क्रूक ने साल 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया। अखबार के अनुसार उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव में $500 का स्टार अवार्ड भी मिला था। डिप्लोमा लेते हुए वीडियो आया सामने। साल 2022 के स्नातक समारोह के वीडियो में क्रूक्स की कुछ तालियों के बीच अपना डिप्लोमा प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए उस समारोह के वीडियो में क्रूक्स को काले रंग के ग्रेजुएशन गाउन में और चश्मा पहने हुए एक स्कूल अधिकारी के साथ पोज देते हुए दिखाया गया। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि क्रूक्स शूटिंग स्थल पर कोई पहचान पत्र लेकर नहीं गया था, उसे अन्य तरीकों का उपयोग करके पहचाना गया। FBI के एक अधिकारी ने बताया है कि हम अभी तस्वीरें देख रहे हैं और उसका DNA और बायोमेट्रिक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें, गोलीबारी की इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि ट्रंप भाषण दे रहे हैं तभी गोलियां चलने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दाहिने हाथ से कान को ढकते हैं और डायस के पीछे झुक जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। ट्रंप डायस के पीछे से उठते हैं और रैली में आए लोगों की ओर मुट्ठी भींचकर साहस का संदेश देते हैं। उनके दाहिने कान और चेहरे पर खून नजर आ रहा है।